उसमें कोई ऐसे ग्रुप्स की या ऐसे एनजीओस की जरूरत पड़ती है? अब वुमन एनजीओ अपने फंडिंग पैटर्न पे ही काम करते हैं, उनको जिस चीज़ पर फंडिंग मिलता है उसे काम करते हैं, तो लोगों की जरूरतें नहीं पूरी हो पाती है। मैं पिछले 23-22 में हमने बलिया में कुशीनगर में और सिद्धार्थ में और ये सब जगहों में 20 लीगल एड कैंप किए। अच्छा, हाँ की ओर से वुमन राइट्स का, तो उसमें था ही कि कम से कम 60-70 लोगों से कम उठाना ही नहीं चाहिए। तो उसमें ज्यादातर उसका लक्ष्य ये था कि लोगों को ला के बारे में, संविधान के बारे में और जो चाइल्ड राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, विमेंस राइट्स हैं, इसके बारे में ज़्यादा बताया जाए। माइग्रेंट राइट्स हैं, लोगों से संबंधित जो लॉ है। लेकिन जहाँ हम लोग जाते थे वहाँ लोग आते थे अपनी समस्याओं को लेकर, एप्लीकेशन लेके। जैसे एक जगह गए तो वहाँ करीब 300 महिलाएं थी, उस सब पीएम आवास योजना की हमको नहीं मिल रहा है, उसमें हमारी एक विकास ये लोग भी थे, विधिक प्राधिकरण वाले भी लोग थे। तो अब आपको होता ही है कि उनके लिए भी ये जरूरत है, तो आप कहीं गए हो तो आपको कानून की जानकारी देना है, ये कह रहा हूँ। कुछ लोग मतलब मिल नहीं पा रहे हैं, उसके लिए उनके पास वकील नहीं है, पैसा देने के लिए नहीं है। तो ये मुझे लगा कि ये कैसे हो, तो पर्सनल लेवल पर कुछ लोगों का काम किया गया, किसी को भी सर बता दे रही है देख लीजिए पैसा नहीं है मेरे पास, लेकिन उसकी एक क्षमता होती है करने का। तो मुझे लगता है कि इस गैप को भरने के लिए अगर ये कमेटी या संस्था या जो भी बन जो उसकी पार बनते हैं, तो उसमें ये कमजोर लोगों के लिए पैरवी करना, उनको अगर लीगल एड की जरूरत है तो उनको कुछ एडवोकेट्स, ऐसे बहुत सारे